तो ये बन रही है हमारी चाय, स्पेशल राजकुमार जी की चाय जो सुबह सुबह बनती है। बैक टू माई चैनल आरके मिनिमल ब्लॉग, और मैं नहा रही हूँ, मुझे ठंडी लग रही है। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली, थोड़ा पीछे लेके जाओ ना बस। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली, विश यू ऑल अ विशेष, मतलब हैप्पी हैप्पी दिवाली। और अब मैं पीऊँगी चाय, मेरा चाय का टाइम हो गया है, मैं नहा भी ली हूँ, पूजा भी हो गई है, और बज रहे हैं अभी 7:30। दोनों बच्चे मेरे यहाँ सो रहे हैं, राजकुमार जी यहाँ खड़े हैं। तो बस आ गई है मेरी चाय, और जल्दी से पीते हैं चाय, फिर करते हैं थोड़ा बहुत जो काम रह गया छोटा मोटा वो, और डेकोरेशन पूरी घर की। बस यहाँ पे चल रही है तैयारी, यानी धूप देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो ये लोग दिवाली वाले दिन जो है सुबह अपने बड़े बूढ़ों को धूप धूप देते हैं, तो हमारे यहाँ शाम को देते हैं, पर ये सुबह सुबह देते हैं खीर पूड़ी। हमारे यहाँ पे मीठे चावल यानी घी पूरे के चावल और बर्फ़ी से होता है। तो पूजा कर कर आ गए थे नीचे, और अब ये दे रहे हैं एक दूसरे को, घास खिलाएंगे। व्यान सो रहा था तो इसको लेटे लेटे को खीर खिला दी गई थी। तो ये सबके अपने अपने रिचुअल है, ये हमारे घर की रिचुअल है, और रीति रिवाज को फॉलो करना चाहिए। मैं शुरू से कहती हूँ कि अपने रिवाज इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी। तो बस यहाँ पे अब जो घास भरेंगे उसके बाद जो है खाना पीना स्टार्ट होएगा, और दिवाली भी स्टार्ट होएगी। थोड़ा बहुत देखिए हमारे घर में तैयारी का काम शुरू होगा। हाँ कट्टा लिया पूरे का, जाओ यहाँ। आज क्या है इधर देखो, क्या आज पहले पैर धोऊंगा फिर ये भी लेंगे। तो बस जेंसों के भरोसे आप कोई काम नहीं कर सकते, आपको खुद ही करना पड़ेगा। और देखिए मैंने ये सारा जो है दोबारा से लगाया है, और अब मैं ये लगा रही हूँ शुभ दीपावली जो मैं लेकर आई थी सदर से, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं मिस हो गया कि मैं एक ही लेकर आई हूँ, मुझे 2-3 लेकर आने चाहिए थे। तो बस ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था शुभ दीपावली, और कंप्लीट होने के बाद तो ये और भी अच्छा लग रहा था। अगर वॉल पूरी प्लेन होती तो ज़्यादा अच्छा लगता। और हमारे घर में ऐसे जो है डेकोरेशन शुरू हो चुकी थी, और पूरे मतलब पूरी गली में शुरू हो गई थी। हमारी गली देखिए कैसे हो रही है, धोड़ी भाई खड़े हैं, मौसी जी और ये री चेतना, मतलब हर कोई अपना अपना घर से जाने में लग रहा है। तो बस हमें आ गई थी ऊपर, और देखिए कैसे मेरे रूम में कपड़े कपड़े फैले हुए हैं, मतलब कि कपड़े फैले हुए नहीं है, कपड़े धोए थे तो वो सारे समेट रही हूँ मैं। और श्री से ही बात करती जा रही हूँ, कपड़े भी उसको खिला भी रही हूँ, प्लस कपड़े सारे समेट रही हूँ, क्योंकि दिवाली है, मैं नहीं चाहती कि कुछ भी जो है चीज़ें फैली पड़ी रहे। तो फटाफट से मैं सारे कपड़े जो है समेट रही हूँ, और श्री देखिए यहाँ पर खुद प्ले कर रही है, अपना आराम से खेल रही है। वगैरह मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया, ये मैंने न्यू बेडशीट बिछा दी है जो मैं लेकर आई थी पसंद करके, ये रही हमारी श्री। और पूरा होम टूर कराऊंगी जब मैं पूरा डेकोरेट कर लूँगी तब। तो चलिए अब करते फटाफट से और सारे काम जो करने, मेरी बिंदी भी हट गई। चलिए तो दिवाली वाले दिन अभी बज चुके हैं 11:30, तो 11:30 बजे तक मैंने सारा काम टोटली फटाफट से जल्दी से कम्प्लीट किया, और डेकोरेशन वगैरह भी ऑलमोस्ट मेरी हो गई थी कम्प्लीट, थोड़ी बहुत रह गई थी वो चलो बाद में मैंने कर ली थी। तो सुबह सुबह हम जो है लक्ष्मी माता का मैं व्रत रखती हूँ, मम्मी जी रखती है, भाभी नहीं रखती, तो बस उसी की पूजा कर रहे थे। तो मैं फटाफट से जो है कहानी वगैरह पढ़ूंगी, क्योंकि पूरा दिन दिवाली वाला आपको पता है कैसे चल जाता है, आपको भी पता है कि बिल्कुल भी वक्त जो है नहीं मिल पाता है। तो इसकी भी कहानी होती है, अपनी अपनी श्रद्धा है। तो यहाँ पर मैं कहानी पढ़ूँगी, फिर आरती करेंगे, और उसके बाद जो है पूजा शुरू करेंगे। तो जेंट्स जो है हमारे घर के हैं वो अभी मतलब गौशाला गया। मैं एक नगर में एक साहूकार था, उसकी एक लड़की थी, मैं नित्य पीपल देवता की पूजा करती थी। उसने देखा कि श्री लक्ष्मी महालक्ष्मी जी उसी पीपल से निकला करती है। एक दिन लक्ष्मी जी उस साहूकार की लड़की से बोली कि मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तू मेरी सहेली बनना स्वीकार कर ले। लड़की बोली क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछ कर बताऊंगी। इसके बाद मैं अपने माता पिता की आज्ञा लेकर प्राप्त कर ली, श्री लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। श्री लक्ष्मी जी उनसे बड़ा प्रेम करती थी। एक दिन महालक्ष्मी जी ने उस लड़की को भोजन जीने को निमंत्रण दिया। जब लड़की भोजन पाने को गई तो महालक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तन में खाना खिलाया, सोने की चौकी में बिठाया, बहुमूल्य दिव्य दुशाला और उसे ओढ़ने को दिया। तत्पश्चात लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं कल तुम्हारे यहाँ जीने को आऊंगी। लड़की ने स्वीकार कर लिया, अपने माता पिता से सब हाल कहकर सुनाया। तो सुनकर उसे माता पिता को सारे साबुन तो खराब कर दिया उसने, दे ली दो। और आरुष को ले आया था ही।
पूजा वगैरह जो हमारी हो चुकी है और ये रही हमारी श्री जिसको अब मैं नहलाऊंगी, मेरा गुंडू बच्चू। और बाहर देखो क्या हुआ, नहा तो लो यार। मैं तो सुबह माओ से नहीं निकाली, सुबह नहा लिया मैं। अच्छा नहा ली गया तुम, और क्या नहाने में आलस नहीं था। श्री विहान क्या चाहिए आपको? पटाखे। और आई लव दिस काइंड ऑफ शुभ लाभ, मुझे इस तरीके का बहुत पसंद है। और ये श्री तो बहुत ही प्यारा है, तो मैंने सोचा फटाफट से जो हम इनको भी चिपका ही देते हैं, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा, जो जब काम जब हो जाए तभी अच्छा है। दो मैं मंदिर चेंज करने की सोच रही थी, बट इस बार नहीं हुआ है, देखते हैं फिर मंदिर कब चेंज होता है। लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगता था शुभ लाभ और श्री का। और देखिए मैंने अभी सारा समेटा था, फिर राश की वजह से सारा फैला दिया। तो यहाँ मैं बना रही रंगोली, और फाइनल रंगोली बहुत ही अच्छी बनी थी। तो अभी मैं बना रही हूँ ऊपर, फिर मैं बनाऊंगी नीचे। और उधर रखे हैं फूल, तो मैंने फूलों की माला बनाई थी साइडों में लगाने के लिए, यहाँ नहीं बाहर लगाने के लिए। और दिवाली है, बिना रंगोली के लगता ही नहीं मुझे दिवाली है, तो ये काम मैं ज़रूर करती हूँ और हर साल करती हूँ। दो जगह तो ज़रूर बनाती हूँ, एक अपने रूम में और एक सबसे नीचे यानी मम्मी जी और के रूम में। और ये देखिए मेरी लक्ष्मी माता के पैर, और ये अभी तक ख़राब नहीं हुए, इतने अच्छे टच वुड, बहुत ही प्यारे लग रहे थे लक्ष्मी माता जी के पैर, और बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। जब मैं जब इनके पैर बनाते ना तभी मुझे सुकून मिलता है कि हाँ भाई रंगोली कंप्लीट हो चुकी है। तो गाइस ये करने के बाद मैं चली गई थी नीचे मार्केट। मार्केट से आने के बाद जो है हमने सोचा कि हम यहाँ थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं, तो बस में सजाने लगी, भाभी की काट कट के दे रही थी मुझे। और ये दिए रखे हुए हैं, तेल वेल वाला बहुत सारा काम है, लॉट्स ऑफ वर्क। अब हम आ गए थे नीचे रेडी होकर, और अभी बज रहे हैं 8:30 या 8:15 का टाइम हो रहा था। ये रहा विहान, और ये रहे भैया, उधर मम्मी जी पापा जी, और वो रही श्री मेरी गुड़िया, ये रहे राजकुमार जी, और इधर बैठी थी मैं। और अब हम करेंगे आरती। जय लक्ष्मी माता, इस दिन सेवत माता, ओम जय लक्ष्मी माता, लक्ष्मी जी की आर जो कोई नर गाता, नर गाता। और ये रही मेरी चिड़िया यानी मेरी गुड़िया मेरी श्री, और इसकी ड्रेस देखिए मैं ही लेकर आई थी पसंद करके। वैसे सब कह रहे थे बड़ी रहेगी, तो लेकिन मुझे पता था आ जाएगी। ये देखिए इसने हाथ में मम्मी के दिए वाले वो पहन रखे हैं, और बहुत ही क्यूट लग रही थी। बस वैसे भगवान नज़र न लगे मेरी बेटी को, कितनी क्यूट लग रही थी। और ये रो रही थी क्योंकि पटाखे फूट रहे थे, इसको डर लग रहा था। तो बच्चे जो है रोते ही हैं, बच्चे क्या गाय भी मतलब डर रही थी। मैं गाय को रोटी देने गई थी तो वो भी मतलब हमारे पड़ोस में आए, वो भी बोल रही थी कि गाय डर रही है, और ये भी डर रही थी मेरी। वैसे क्रैकर्स के मैं बहुत खिलाफ हूँ, और लेकिन इन सब चीज़ों के नहीं हूँ, क्योंकि इन चीज़ों से ही लगता है कि हाँ भाई दिवाली है। तो हमने थोड़े बहुत जलाए थे पटाखे, थोड़े बहुत फोड़े थे, बट ज़्यादा नहीं फोड़े थे क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया था। अब मैं आ गई ऊपर, और आपको लग रहा होगा मैं कितनी हरी भरी लग रही हूँ, तो भरा भरा पूरा वो हो रहा है। तो बस अब हम थोड़ा बहुत चेंज करेंगे, क्योंकि मुझे भी बहुत भारी भारी सा लग रहा था। ओकेजन दिवाली का है तो ये तो बनता ही है। तो बस इधर हो रही है गाड़ी की धुलाई, क्योंकि आज है विश्वकर्मा जी का दिन, और आज के दिन पूजा की जाती है, जैसे कि यहाँ पर हो रही है। देखिए वो रहे विश्वकर्मा जी भगवान, मतलब अपने अपने काम पे जो भी काम होता है उसकी पूजा होती है। देखिए यहाँ लैपटॉप की पूजा हो रही है, क्योंकि हमारा सारा काम इसी से होता है। देखिए विहान कर रही है, मैं भी सातिया बनाऊंगा। तो बस इसके पापा इसको बनाना सिखा रहे थे, तो उन्होंने ढंग से बनाया नहीं, फिर अब मैं बैठूंगी बनाने के लिए इसको, क्योंकि बच्चा है कोई नहीं। अगर वो कोशिश कर रहा है तो हमें भी उसको करेक्ट करना चाहिए, क्योंकि बच्चे ऐसे ही सीखते हैं धीरे धीरे। तो बस अब मैं इसका हाथ पकड़ के बनवा रही हूँ सात्या। और अब हम आ गए हैं बाहर पूजा करने के लिए, और राजकुमार जी कर रहे हैं पूजा गाड़ी की, और गाड़ी की पूजा करने के बाद बाइक की पूजा होगी। तो आज सब चीज़ों की पूजा होती है, क्योंकि विश्वकर्मा जी का दिन है,
तो तिलक विलक लगाते हैं, सातियाँ करते हैं, फिर उसके बाद उनको माला वाला पहनाते हैं, और जो आपका मर्जी है जैसे लड्डू, बहुत लोग लड्डू का भोग लगाते हैं, लेकिन यहाँ रसगुल्ले रखे हुए थे, हमने रसगुल्ले का लगाया। अब हो रही है भैया की गाड़ी की पूजा, तो बस यहाँ पे सातियाँ बना दिया राजकुमार जी ने, और बस माला वाला लगाएंगे, जैसे कि होती है विश्वकर्मा जी की पूजा, तो बस ऐसे विश्वकर्मा जी का दिन मनाया जाता है, और अपनी गाड़ी अपने काम पे जो है पूजा की जाती है। तो अब देखिए विहान अंदर आके ये भी कर रहा था कि मैं मेरे को भी करवाओ, तो बस बच्चों को अपने साथ बिठाना चाहिए पूजा में, ताकि जो बच्चे भी हैं वो भी सीखे कि हमारे घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बस लक्ष्मी माता हर साल आना, सब मतलब हर साल ऐसे ही आते रहना, और सबके घर में खुशियों की दिवाली हो, सबको हैप्पी दिवाली हो। अपना व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, आर के बेनीवाल व्लॉग को। बाय।